मुझे लगता है कि आजकल जो पाकिस्तान में सबसे बड़ी कॉन्वर्सेशन है वो ये है कि हमारे पास लीडरशिप अच्छी नहीं है, वही पुराने लोग, वही शक्लें। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि आप ग्रास रूट्स पे लोगों को एम्पावर करें, आप ग्रास रूट्स पे लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें, उधर से ही आपके उस लेवल से ही लोग लीडर्स निकलते हैं। हमारे मुल्क में हमने लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर नहीं किया, प्रोविंशियल और फेडरलिज्म के अंदर हम बहुत पड़े रहे, एंड जिसकी वजह से हमें वो जो नुकसान नज़र आते हैं वो अब लैक ऑफ लीडरशिप में नज़र आते हैं। आवाम की जो सही आवाज़ है वो जहाँ पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँचती। सो आई बिलीव दैट लोकल बॉडीज, इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट्स एंड स्ट्रेंथन्ड लोकल गवर्नमेंट्स जो रियल सेंस में इंक्लूसिव भी हों, जहाँ ख़वातीन का, यूथ का, सब का एक रोल हो, वो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे अहम तरीन ज़रूरत है। इसके अलावा हमारा एक और बड़ा प्रॉब्लम है इकॉनमी का। लोग इस पर भी ये कहते हैं कि हमारी टैक्सेशन का बहुत बड़ा इशू है। सो दुनिया में जहाँ भी सक्सेसेस हुए हैं वो लोकल गवर्नमेंट लेवल पे भी जो टैक्सेशन के सक्सेसेस हैं, अगर हम उनको स्टडी करें और हम उनको रेप्लिकेट करें विद द स्ट्रेंथन लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स, बिलीव मी सम ऑफ आवर प्रॉब्लम्स कैन बी सॉल्व। सो आई लुक फॉरवर्ड टू अ पाकिस्तान वेयर यू हैव एम्पावर्ड सिटीजंस एट द ग्रास रूट्स थ्रू वेरी पावरफुल एंड स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स। थैंक यू।